Subscribe to Easy Engineering Studies and click the bell icon to receive the latest update on all videos. Hello friends, welcome back to another video. In this video, we will solve Master Theorem ke last examples. In the previous videos, I have Master Theorem ke basic cases explained and I have examples also explained. So please watch video. So here we have an equation diya hai, T of n equal to 40 n by 2 plus n to the power 3. Then we will solve it. So you have given hai, a equal to 4 और फिर है b equal to 2 और इसमें आपको f of n की value दी है n cube. फिर आपको चेक करना है n to the power log a to the base b equal to n to the power log. फिर आपको a और b की value put up करनी है, तो a की value है 4 और b की value है 2. तो फिर आप जब ये log की value solve करते हो तो आपको value मिलती है n square. और फिर आपको देखना है मास्टर थ्योरम के केसेस, और हमारे पास तीन केसेस है और इसमें से आपको एक केस यूज करनी है. अब देखिए इसमें f ऑफ n की वैल्यू है n क्यूब और हमें n टू द पावर log a टू द बेस b की वैल्यू मिली है n स्क्वायर, एंड इसमें f ऑफ n की वैल्यू है ग्रेटर, तो आपको केस यूज करना है थर्ड. फिर आपको लिखना है देयरफॉर f ऑफ n ग्रेटर देन n टू द पावर log a बेस b, और फिर आपको इक्वेशन यहां पे लिख देना है. तो ये होगा t of n equal to theta f of n, और फिर आपका final solution होगा t of n equal to theta, और आपको f of n की value put up करनी है जो है n cube, तो आपको यहाँ पे लिखना है n cube, और ये final solution है. फिर हम देखेंगे next example. तो हम equation दिया है t of n equal to 3t 2n by 6 plus n. तो सबसे पहले हम इसे solve करते हैं, और आपको इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है बाय 2. फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 3t 2n बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 बाय 2 प्लस n. फिर ये हो जाएगा 3t और 2 बाय 2 वैल्यू जाएगी 1, और ऊपर में बचता है सिर्फ n, और नीचे में आपको वैल्यू मिलती है 3 प्लस n, और इसके बाद आपको लिखना है a की वैल्यू. तो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 3, और आपको f of n की वैल्यू दी है यहाँ पे n. फिर आपको चेक करना है n to the power log a base b equal to n to the power log. फिर आपको वैल्यू पुट अप करनी है a और b की, तो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू भी है 3, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, फिर बचता है सिर्फ n. तो यहाँ पे f of n की वैल्यू भी है n और n to the power log a to the base b की वैल्यू भी है n, एंड आपको कंडीशन यूज करनी है सेकंड, f of n equal to n to the power log a to the base b. फिर आपको यहाँ पे लिखना है देयरफॉर f of n equal to n to the power log a base b. फिर आपको ये equation यहाँ पर लिख देना है, तो ये होगा t of n equal to theta n to the power log a base b into log n, और इसका final solution होगा t of n equal to theta, और आपको value put up करनी है n to the power log a base b, तो वो है n, और फिर है into log n, और ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है. इसके बाद एक और एग्जांपल, तो हम इक्वेशन दिया है t of n equal to 80 n by 4 plus n, और इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा. हमें गिवन है यहाँ पे a equal to 8 और b की वैल्यू दी है 4 और f of n की वैल्यू है n. फिर आपको चेक करना है n to the power log a base b, फिर होगा n to the power log a की वैल्यू है 8 और b की वैल्यू है 4, तो ये सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलती है n टू द पावर 3 बाय 2. तो यहाँ पे f ऑफ n की वैल्यू है n और n टू द पावर log a बेस b की वैल्यू है n टू द पावर 3 बाय 2, यहाँ पे f ऑफ n की वैल्यू है स्मॉलर, एंड आपको केस यूज करना है फर्स्ट. फिर आपको लिखना है देयरफॉर f ऑफ n स्मॉलर देन n टू द पावर log a बेस b. फिर आपको ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देना है, तो ये हो जाएगा t ऑफ n equal to theta n to the power log a base b. फिर आपको लिखना है final solution, तो ये होगा t of n equal to theta, और आपको n to the power log a base b की value put up करनी है, वो है n to the power 3 by 2, और इसके बाद है last example. तो आपको यहाँ पे a की value given है 16 और b की value है 8 और f of n की value है n square. फिर आपको चेक करना है n टू द पावर log a बेस b इक्वल टू n टू द पावर log, और a की वैल्यू है 16
और b की वैल्यू है 8, फिर आपको वैल्यू मिलती है n टू द पावर 4/3, तो इसमें f ऑफ n की वैल्यू है n स्क्वायर और n टू द पावर log a टू द बेस b की वैल्यू है n टू द पावर 4/3, एंड इसमें f ऑफ n की वैल्यू है ग्रेटर, तो आपको यूज़ करनी है केस नंबर थर्ड। फिर आपको लिखना है यहाँ पे देयरफॉर f ऑफ n ग्रेटर देन n टू द पावर log a बेस b, और फिर आपको लिखना है यहाँ पे केस नंबर थ्री, और फिर आपको ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देना है, तो ये होगा फिर t ऑफ n इक्वल टू थीटा f ऑफ n, और फिर फाइनल इक्वेशन होगा t ऑफ n इक्वल टू थीटा और f ऑफ n की वैल्यू है n स्क्वायर, फिर आपको यहाँ पे लिखना है n स्क्वायर। तो आपको मास्टर थ्योरम के एग्जांपल्स आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे असिम्प्टोटिक नोटेशन, और अगर आपको ये टॉपिक के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल ये खत्म होता है, इसके बाद मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा। सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।